हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर लली का लीग का मैच हो रहा है लेगेंस वर्सेस एल्टर डेविगो के बीच 6:30 बजे। एंड बात करें, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देन लेगेंस एंड सेल्टर डेविगो दोनों बहुत ज़्यादा ओवररेटेड टीमें हैं, मतलब लली का लीग के अंदर मतलब इनका दम ही नहीं है दोनों में। लेगेंस टीम पहले वहाँ खेलती थी लली का टू में, तो वहाँ पर अच्छे प्रदर्शन के बाद ये यहाँ पर आ गई। और सेल्टर डेविगो कभी अप कभी डाउन इनका चलता रहता है, पहले ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी सेल्टर डेविगो 2022 में, उसके बाद ये कमज़ोर हो गई, अच्छे अच्छे प्लेयर टीम छोड़ के चले गए और ये टीम डाउनफॉल की ओर निकल पड़ी। लेकिन अब यहाँ पर कौन जीतेगा जज करना और कहना मुश्किल है, क्योंकि 50% विनिंग चांसेस लेगेंस के और 50 ही भाई सेल्टर डेविगो के भी हैं, तो इसलिए ये एक डबल साइडेड मैच है। सो दोनों तरफ का फेवर यहाँ पर बना सकते हो। तो आगे चलते हैं, तो बात करें स्ट्राइकिंग की। स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा आई आसपास को। आई आसपास इज़ गुड प्लेयर, ये 20 अक्टूबर को खेला नहीं था लेकिन मैं चाहता हूँ आज खेले। पिछले मैच में कुछ इंजरी थी शायद, तभी इसलिए नहीं खेला था, मुझे याद नहीं है, मैंने वीडियो भी बनाई थी 20 अक्टूबर को, तो इंजरी शायद इसको हुई थी, बट मैं चाहता हूँ ये खेले। और बी ग्लेशियस के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा, मतलब इन तीनों में से जो भी दो प्लेयर खेलेंगे वो मेरी टीम में होंगे, भले वो टी डॉबी गैस हो, बी ग्लेशियस हो, आई आसपास हो, कोई भी हो। उसके बाद अगर बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो उनकी टीम में सेबेस्टियन हेलर प्लेयर आया भाई, मतलब मेरी नज़र में सेबेस्टियन हेलर जब तक नीदरलैंड्स लीग में था तब तक कमाल था, कमाल, मतलब इससे ज़्यादा बेहतर कोई प्लेयर ही नहीं था। अब देखते हैं कि ये कैसा खेलता है, ये खेलता भी है कि नहीं ये भी नहीं पता अभी, बट मैं चाहता हूँ खेले क्योंकि सेबेस्टियन हेलर की फॉर्म वापस आए। और मिडफील्डिंग की बात करें, देन जे क्रूज डियाज, जे क्रूज के बाद वाई नेयो को यहाँ पर लेना पड़ेगा। पिछले मैच में भी नेओ ने अपना 20 अक्टूबर को एक गोल कर दिया था, बहुत ज़्यादा लो सिलेक्शन पे गोल आया था वो, मतलब एक एज अ की प्लेयर का काम किया था इसने। उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूँ, तो इनकी टीम में एक प्लेयर है एच एल्वरेस, अगर जो अगर आपने टीम में लेना है, या फिर डब्ल्यू स्वेडबर्ग। देखो, स्वेडबर्ग को अगर आप लास्ट गोल देख के ले रहे हो तो आप गलत हो, वैसे लो इस बंदे को, लास्ट गोल देख के मत लो, कहीं आप सोचो गोल कर जाए, क्योंकि स्वेडबर्ग और एच एल्वरेस का खुद नहीं पता होता भाई कि गोल कब आएगा, इसलिए दोनों में से एक प्लेयर लेना है भी ज़रूरी, तो मैं स्वेडबर्ग के साथ जा रहा हूँ। और डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें, देन मिंग्यूज़ा और एम एलोंसो जो पहले चेल्सी में था, ठीक है, उसके बाद स्टारफेल्ट जो थर्ड डिफेंडिंग कर रहा है, क्लीन शीट लगी तो मज़ा आएगा। और बाकी प्लेयर है जे अपना जेल्सन, और जेल्सन के बाद एक वन अनदर प्लेयर जेवी, इन दोनों में से एक खेलेगा। मैंक्यूलो इतना खास मुझे लगता नहीं, तो मैं चाहता हूँ इन दोनों में से कोई एक खेले, तो मैं अभी जेवी रोड्रिगेस को सेव कर रहा हूँ। और गोलकीपिंग सेक्शन की अगर बात करें, तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ अपनी टीम में मार्को मिट्रोविक। लेट्स सी मिट्रोविक कैसा खेलता है, तो पुराना प्लेयर। बात करें कैप्टन की, कप्तान है आई आसपास, वाइस कैप्टन है इग्लेशियस, और अगर आप चाहो तो अपना वाइस कैप्टन ओ मिंग्यूज़ा को भी रख सकते हो। तो ये मेरी टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।